Yes. Yes. Hello. Hello everyone. Good evening. रमन धरम हेलो. यस, आज के लिए मैंने सरप्राइज रखा था क्लास का, तो सबको सरप्राइज समझ में आ गया कि आज हम पहली बार जो है स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं. यस, कुछ अलग फीलिंग आ रही होगी सबको. हेलो हेलो पंकज, गुड इवनिंग गुड इवनिंग. यस विरम चौहान, हेलो. यस, चलिए तो आज हम स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ने वाले हैं और क्लास वही अल्कोहल फिनॉल ईथर लेसन चल रहा है, क्लास 12th. और आज एपिसोड नंबर जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 14th, 14th एपिसोड नंबर पढ़ेंगे. यस, वाओ सर, हाँ खुशनीत, थैंक यू. चलिए अपने आज की क्लास शुरू करते हैं. कल हमने जो बातें पढ़ी थी उनके बारे में मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. एक बार थोड़ी सी बात आप ना बाकी दोस्तों को, सारों को चैनल का लिंक भेज दें, इस लाइव क्लास का लिंक भेज दें. ठीक है, मान गए गुरु. ओके मुकेश, चलिए लिंक भेज दो एक बार, ताकि जो है वो सभी बच्चे जुड़ जाएं, सभी बच्चे जुड़ जाएं. चलिए भेजो बच्चों, जो बच्चे अभी आए नहीं उनको भेज दो लिंक. ठीक है, चलिए शुरू करें. हाँ काव्य, थैंक यू. चलो देखो बच्चों, कल जो अपनों ने क्लास देखी थी उसके अंदर हमने देखा था कि अल्कोहल की अम्लीयता, जिसमें अल्कोहल की अपनों ने धातु के साथ अभिक्रिया करवाई थी, फिनॉल की हमने धातु के साथ अभिक्रिया करवाई थी. इसके अलावा फिनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब धातु हाइड्रोक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करता था. तो ये चीजें हमने सीखी थी. और फिर हमने अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम भी देखा था, और वो हमारा आया था कि 1 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री उससे कम. ठीक है, ये तो बात सारी थी पिछले एपिसोड की. चलिए आज हम शुरू करते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे कि अल्कोहल की अम्लीयता को ही आगे बढ़ाएंगे. और आज एक जबरदस्त सी एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, एक समीकरण लिख रहा हूं, बहुत ही शानदार. उस समीकरण पर देखें अपने कितने तरीके के रिजल्ट निकालते हैं. इधर देखें, मैंने एक एल्कोक्साइड लिखा आर ओ, और इस पर यूं 3 लोन पेयर हैं, और लोन पेयर की वजह से इस पर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश. ठीक है, इसकी अभिक्रिया मैं जल से करवाता हूं, और जल H2O होता है. मैं इस H2O को इस प्रकार से लिखता हूं तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो ये मेरे पास जल है. जब मैं इसकी अभिक्रिया करवाता हूं तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है कि एल्कोक्साइड जो है यहां जल से एक एच प्लस ग्रहण कर लेता है. चेक करें क्यों एच प्लस ग्रहण कर लेता है, मैं थोड़ा सा इसको अलग समझाता हूं. देखिए क्या, ये जो आर ग्रुप है इसका प्लस साई प्रभाव, कौन सा प्रभाव है, प्लस साई प्रभाव. प्लस साई प्रभाव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देगा. ठीक है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है. अब क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने का मतलब है माइनस बढ़ गया. माइनस बढ़ गया तो ये क्या कहेगा, इस जल को कहेगा कि भाई तेरा ये जो H प्लस है ना ये मुझे दे दे, तेरा जो ये H प्लस है ये क्या दे दे, मुझे दे दे, क्योंकि मेरे पर माइनस आवेश ज्यादा है तेरे ऑक्सीजन की तुलना में. ठीक है, तो ये क्या करेगा, एल्कोक्साइड जो है इससे H प्लस खुद ले जाएगा, खुद ले जाएगा. तो अब अपने पास उत्पाद क्या बन जाएगा, अब जो उत्पाद बन जाएगा कि R, देखो R और O और H, ठीक है, ये वाला जो H था ये एल्कोक्साइड ले गया, और यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया O H, O और H,
इस OH से H प्लस निकल गया, OH से जब H प्लस निकल गया तो ये क्या बच गया, OH माइनस बच गया। क्लियर? ठीक है, तो ये जो है एक समीकरण है, इस समीकरण से अब अपने को कई सारे रिजल्ट निकालने हैं। देखें क्या, पहले मैं एक बार इनके नाम लिख देता हूं कि कौन क्या है, कौन क्या है। इधर देखें, मैं यहां पर नाम लिखता हूं, पहले ये तो था एल्कोक्साइड, ये तो कौन था, एल्कोक्साइड था, और इसने किससे अभिक्रिया करी, जल से अभिक्रिया करी, और क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और साथ में क्या बन गया, OH माइनस को आप क्या कहते हो, OH माइनस को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये चार लोग हैं इस अभिक्रिया के अंदर, एक एल्कोक्साइड है, एक जल है, एक एल्कोहल है, और एक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, चलिए अब क्या करनी है बात, कि यहां पर इस अभिक्रिया के अंदर अगर अपने बात करें तो जो एल्कोक्साइड है, जो एल्कोक्साइड है उसने, एल्कोक्साइड ने जल से H प्लस ग्रहण किया है। ठीक है, तो आप याद करो बच्चों छोटी क्लास की बात, कि जब H प्लस अपने ग्रहण करता है कोई भी यौगिक, H प्लस मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर ग्रहण करता है तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले को हम क्षार कहते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, क्षार। तो ये जो एल्कोक्साइड है वो हमारे पास क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, एक बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, और इसको मैं नाम रख देता हूं इसका मैं क्षार वन। चलिए अब आ जाओ आगे, ये जो जल है ये इसको H प्लस दे रहा है, और जो H प्लस देता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अम्ल। क्या कहते हैं, अम्ल। तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं अम्ल वन। इधर देखें, ये क्षार वन, ये अम्ल वन। अब जब अभिक्रिया हुई तो बन गया ROH, एल्कोहल बन गया, और एल्कोहल के पास अब H प्लस है, ये H प्लस किसी को दे सकता है, तो इसका मतलब एल्कोहल भी अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, हालांकि ये एल्कोहल H प्लस इस OH माइनस को नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन किसी और को तो दे सकता है, ठीक है, धातु को तो दे सकता है H प्लस, तो इसका मतलब है ये भी अम्ल है, लेकिन जैसे अपने वैसे इसको संयुग्मी अम्ल कहते होते हैं, लेकिन मैं यहां पर इसका नाम रख देता हूं अम्ल दो, अम्ल टू, ये अम्ल वन। ठीक है, अब आ जाओ आप OH माइनस, अब OH माइनस है ये किसी से H प्लस ले सकता है, अरे यस और नो, ये क्या कर सकता है, किसी से H प्लस ले सकता है। अब जो H प्लस लेता है वो क्या होता है, क्षार। अब ये H प्लस इससे नहीं ले रहा, एल्कोहल से नहीं ले पाता, लेकिन किसी और से तो ले सकता है ना, तो ये क्या है, क्षार। इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं क्या भाई, क्षार टू। ये मेरे पास पूरी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ये H प्लस इससे जल से ग्रहण कर रहा है, इसलिए एल्कोक्साइड तो हो गया मेरे पास क्षार, जल जो है H प्लस दे रहा है इसलिए ये हो गया अम्ल, इसको मैंने नाम दे दिया क्षार वन, इसको नाम दे दिया अम्ल वन। अब ये जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल क्या कर सकता है, H प्लस दे सकता है ना, किसी को दे सकता है, क्योंकि इसके पास H प्लस है, हालांकि ये इस हाइड्रोक्साइड को नहीं दे सकता, किसी को तो दे सकता है, धातु को दे सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा, अम्ल। ठीक है, लेकिन मैं इसको नाम क्या दूंगा, अम्ल टू, क्योंकि अम्ल मेरे पास पहले आ चुका है। क्लियर, अब देखो फिर ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड किसी से H प्लस ले सकता है ना, इस एल्कोहल से नहीं ले सकता, लेकिन किसी और से तो ले ही सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा, जो H प्लस ग्रहण करता है वो क्षार होता है, और ये वाला क्षार क्या होगा, क्षार नंबर दो, क्योंकि क्षार मेरे पास पहले एक आ चुका है। क्लियर, अब अपने बात करते हैं, देखें दो प्रकार के मेरे पास क्षार हो गए और दो ही प्रकार के अम्ल हो गए, इनको लेकर के मैं एक रिजल्ट निकालना चाह रहा हूं, तो पॉइंट नंबर एक देखें, पॉइंट नंबर एक क्या, कि जो एल्कोक्साइड जो क्षार है वो हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार है। ठीक है, देखें कैसे, क्योंकि एल्कोक्साइड और हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो यहां पर पॉइंट नंबर एक मैं समझा रहा हूं, इधर देखें कि ये मेरे पास था एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, और ये इन दोनों के इधर मैं रख देता हूं क्या, यहां पर मैं रख देता हूं हाइड्रोक्साइड OH माइनस, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मैं किसको रख देता हूं, H प्लस को, दोनों के बीच में रख देता हूं H प्लस को। ठीक है, अच्छा बच्चों बेसिक हमारा क्या कहता है, बेसिक ये कहता है कि जिस जो H प्लस ग्रहण कर लेगा वो प्रबल क्षार होगा,
ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ही H+ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में मैंने H+ रख लिया, अब ये वाला H+ जो ले जाएगा वो हाइड्रोक्साइड और एल्कोक्साइड में से प्रबल क्षार होगा। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं कि ये H+ कौन ले जाता है। ये H+ ले जाएगा कौन बच्चों? ये H+ ले जाएगा एल्कोक्साइड। क्यों ले जाएगा? क्योंकि प्लस को तो वो लेके जाएगा जिस पर माइनस ज्यादा होगा। प्लस को कौन लेकर के जाएगा? जिस पर माइनस ज्यादा होगा। तो चेक करें माइनस किस पे ज्यादा है। इस O के साथ कौन जुड़ा हुआ है? R। R का कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि इसको H+ की भूख जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए ये क्या करेगा, इस H+ को, इस H+ को ये जो एल्कोक्साइड है ये ले जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड पर तो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन का ना प्लस आई प्रभाव ना माइनस आई प्रभाव। इस पर तो जो माइनस जितना था उतना का उतना ही बड़ा है, इस पर तो माइनस आवेश जो है वो नहीं बढ़ा, इस पर जो है वो माइनस आवेश नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने पास हाइड्रोक्साइड जो था इसने H+ को ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ा, इस पर एल्कोक्साइड पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा है, इसलिए H+ एल्कोक्साइड ग्रहण करता है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख लेता हूं कि एल्कोक्साइड, ब्लैक पेन से लिखता हूं, देखें एल्कोक्साइड एल्कोक्साइड में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए यह H+ प्रबलता से ग्रहण करता है एवं यह हाइड्रोक्साइड की तुलना में हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास एक पॉइंट जो है वो बन चुका कि एल्कोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार होता है। अब ये बात जो है वो किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास इसका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला आप एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ताकि मैं इसका एक क्वेश्चन लिख देता हूं, इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूं कि एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आएगा। चलिए देखें, आपको पता लग गया कि एल्कोक्साइड की तुलना में, एल्कोक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार है। तो मैं यहां पर एक उदाहरण करके लिख रहा हूं, देखो उदाहरण करके लिख रहा हूं क्या, कि आपके पास सोडियम एथोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार होता है। अब सोडियम एथोक्साइड का सूत्र क्या हुआ? C2H5ONa। ये तो हो गया सोडियम एथोक्साइड का सूत्र। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो गया? NaOH। ठीक है, तो अब बच्चों आपके पास तीन तरीके के प्रश्न हो गए।
क्या क्या प्रश्न हो गए? एक तो प्रश्न हो गया कि एल्कोक्साइड हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षारक होता है, क्यों? तो अभी मैंने जो यहां पर मैंने क्या किया था, ये जो मैंने लाइन लिखी थी, ये वाली लाइन, यही आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या कि जो सोडियम एथोक्साइड, अभी जो मैंने लिखा क्या कि ये जो मैंने लिखा कि सोडियम एथोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार होता है, क्यों? तब भी यही आंसर होगा जो मैंने भी नीचे लाइन लिखी है। इसका मतलब दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों का आंसर जो है मैंने एक नीचे लाइन लिखी वही होगा, क्लियर। तो ये बात भी हो गई। चलिए अब अपने क्या करते हैं कि इसी रिएक्शन को मैं एक बार दोबारा लिखता हूं और फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट। देखो चलिए देखो, अभी जो मैंने अभिक्रिया लिखी थी उसका अभी तक एक ही पॉइंट हमने समझा है। अब अपने इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं। रिएक्शन में दोबारा लिख देता हूं वही वाली रिएक्शन, मैंने यू लिखी, ये था एल्कोक्साइड, इसकी जब मैंने जल से अभिक्रिया करवाई, ठीक है, तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से हुई थी कि जल से अभिक्रिया करवाई तो ये मेरे पास बना था क्या बच्चों, एक तो बना था एल्कोहल और एक बना था हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस। अब क्या था कि इसको तो मैं क्या कहता था, क्षार वन, इसको मैं कहता था अम्ल वन, इसको मैं कहता था अम्ल टू और इसको मैं कहता था क्षार टू। तो आपको एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि क्षार वन जो है वो क्षार टू से प्रबल क्षार है, मतलब एल्कोक्साइड हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार है। अब आज अपने बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, अम्ल की, क्योंकि अम्ल भी तो अपने पास दो तरीके के हैं। अम्ल भी अपने पास कितने तरीके के हैं, दो तरीके के हैं। चलिए हाँ ठीक है, अच्छा अम्ल भी हमारे पास दो तरीके के हैं तो इसके लिए भी एक बात कर लेते हैं और पॉइंट नंबर डालते हैं दो। देखो इस अभिक्रिया के अंदर ये अम्ल है और ये क्या कर रहा है, एल्कोक्साइड को H प्लस दे रहा है, और इधर एल्कोहल भी अम्ल है और ये H प्लस दे रहा है हाइड्रोक्साइड को, दे रहा है, ये नहीं दे रहा, सॉरी, क्योंकि ये रिएक्शन इस तरीके से चल रही है ना, मैंने एरो इधर ही लगाया है, इधर लगाने का मतलब है ये तो H प्लस इसको दे रहा है लेकिन एल्कोहल हाइड्रोक्साइड को H प्लस नहीं दे रहा, क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको बेसिक अगर याद है तो आपको पता होगा कि अम्ल वो होता है जो H प्लस त्यागता है और जो आसानी से H प्लस त्यागता है वो प्रबल अम्ल होता है, जो आसानी से H प्लस त्यागता है वो क्या होता है, प्रबल अम्ल। तो अपने बात करते हैं कि जो H प्लस अभी कौन त्याग रहा है, जल, ठीक है। तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, यहां पे एक बार लिख देता हूं, ये चलिए इसको हटाना है, ये चलिए यहां से ले लेता हूं, ठीक है। देखो क्या हुआ कि अब अपने पास ये दो अम्ल है, एक जल और एक एल्कोहल, क्लियर। अब इसमें से जल तो H प्लस जो है, जल अपना H प्लस किसको दे रहा है, एल्कोक्साइड को दे रहा है, एल्कोक्साइड को दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एल्कोहल है वो एल्कोहल अपना H प्लस हाइड्रोक्साइड को नहीं दे रहा, ये अपना H प्लस हाइड्रोक्साइड को नहीं दे रहा, हाइड्रोक्साइड को नहीं दे रहा। तो अतः जल जो है, अतः मैं लिखूंगा जल एल्कोहल की तुलना में, एल्कोहल की तुलना में
परबल प्रोटॉन दाता होता है, प्रोटॉन दाता होता है, इसलिए इसलिए जल अल्कोहल की तुलना में, अल्कोहल की तुलना में परबल प्रबलतर अम्ल होता है, प्रबलतर अम्ल होता है। ठीक है, तो ये बात आप दूसरा पॉइंट जो है, मैं यहां पर दूसरा पॉइंट जो समझा रहा था वो दूसरा पॉइंट ये है क्या कि अल्कोहल जो है वो अल्कोहल की तुलना में जल प्रबल अम्ल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर जल तो अपना H प्लस दे रहा है किसको, एल्कोक्साइड को, लेकिन अल्कोहल अपना H प्लस जो है वो हाइड्रोक्साइड को नहीं दे रहा। और हमें पता है कि जो H प्लस देता है वही तो अम्ल होता है ना, जो H प्लस देता है वही तो अम्ल होता है, इसलिए जो है जल हमारे पास प्रबल अम्ल होगा किसकी तुलना में, अल्कोहल की तुलना में। क्लियर? तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अल्कोहल और जल में से किसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होती है, तो आप कहेंगे जल की। लेकिन लेकिन एक विशेष बात मैं बता देता हूं, स्टार डाल करके बात जान लेना, ये मैं बात किस अवस्था में कर रहा हूं बच्चों, ये मैं बात कर रहा हूं विलयन अवस्था में कर रहा हूं। ठीक है, दो मिनट रुकना, चलो वह स्टार्ट। यस, हाँ बच्चों अब आ गई क्लास? यस, कमेंट करें आ गई क्लास तो सबको दिखाई दे रहा है तो। चलिए सभी लोग कमेंट कर दें अगर सबको वापस क्लास दिखाई दे रही है तो। यस, कई लोग कह रहे हैं कि सर बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक करके कीजिए। चलिए चलिए एक बार मैं एक और ट्राई करूं या फिर बैकग्राउंड ब्लैक कर दूं। चलिए बैक ब्लैक करता हूं बैकग्राउंड। यस, अब चेक करना बच्चों, एक बार मैं रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूं, आप रिएक्शन देखें एक बार दोबारा, कि मैंने लिखा कि एल्कोक्साइड इस तरीके से लिखा था ना, आर ओ और इस पर था माइनस आवेश, आर ओ और माइनस आवेश, इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा था किससे, H प्लस, और इसके दूसरी साइड में रख रहा था हाइड्रोक्साइड और इस पर भी था माइनस आवेश। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड था O, H लोन पेयर थे इसके ऊपर, और माइनस आवेश था, रिएक्शन करवा रहे थे तो H प्लस, ये वाला जो H प्लस था ये कौन लेके जा रहा था। अब देखें पहले मुझे बताएं बच्चों कि क्या अब क्लियर है? यस, अब क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है? सब उजड़ा उजड़ा दिखाई दे रहा है। ओके, क्वालिटी बढ़ाओ भाई, ये परम तुम अपनी क्वालिटी बढ़ाओ इसकी। सर सही है, अब पहले वाला सही था,
सही चेक करो भाई, क्या पहले सही था या अब सही है। चलिए मेरे को लग रहा है कि मैं पहले वाला ही सही था, ग्राउंड बैकग्राउंड यही वाला बैकग्राउंड रख रहे हैं अपने एक बार। ठीक है चलिए, मैं अब एक बार क्लास पूरी करूँगा। चलिए पेन ब्लैक, ओके। आप इधर देखें बच्चों, अभी अपनों ने एक चीज देख ली थी, दूसरा पॉइंट ये सीख लिया था कि अल्कोहल की तुलना में जल जो है वो प्रबल अम्ल है। ठीक है चलिए, अल्कोहल जो है वो अब सब ठीक है। चलिए अल्कोहल जो है की तुलना में जल जो है वो प्रबल अम्ल था। ठीक है, तो आपके पास चार चीजें, एक तो इन पॉइंट्स को मैं एक बार इस तरीके से लिख रहा हूं, एक था हमारे पास एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड ठीक है, और एक था हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ठीक है, ये था हाइड्रोक्साइड। और ये कैसा था, ये दोनों कैसे थे, ये दोनों थे क्षारीय, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा क्षारीय कौन था, एल्कोक्साइड ज्यादा क्षारीय था। ठीक है, अब आप तीसरा एक आज जो हमने पढ़ा वो कौन था, ये था हमारे पास एक तो था जल, जल ठीक है, एक तो था हमारे पास जल, और एक चौथे नंबर पर आज हमने पढ़ा एक था एल्कोहल। इतने पॉइंट्स हमने पढ़े, एल्कोहल की तुलना में ये एल्कोहल और जल दोनों अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा अम्लीय जो है वो जल था। अब ये जितने ये जो चार चीजें आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है चलिए, क्या आप मुझे ये बताओ, चलिए कमेंट में मुझे एक बात बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर है क्या, पहले क्वेश्चन का, कि अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कोक्साइड हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार है क्यों, क्या इसका आंसर आ गया आपको, जो हमने पहले नीचे लाइन लिखी थी वही आंसर था क्या, कितने लोगों को पता लग गया इसका आंसर, कमेंट दें बच्चों। यस ओके जी सर, नारायण ने रिप्लाई किया है, बाकी लोग भी रिप्लाई करें भाई। हाँ जी सर ठीक है, रवि ठीक है, खुशनीत ओके। अब एक ठीक है काव्या, चलो एक चीज और देखो अपने, कि यहां पर एक ये वाला क्वेश्चन भी था अपने पास कि जल जो है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है, इसका आंसर कितने लोगों को आ गया, जल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है, इसका आंसर देना होता है तो भी वो रिएक्शन लिखनी होती है, और इस ऊपर वाले का आंसर देना होता है तब भी वही रिएक्शन लिखनी होती है जो मैंने अभी रिएक्शन बार बार लिखी थी। ठीक है चलिए, अब अपने एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं करता हूं, ठीक है नेक्स्ट चलता हूं और अगली बात करते हैं। देखिए क्या, देखो स्टार डाल करके पहले तो मैं यह बात लिख रहा हूं, स्टार डाल करके, इसलिए बात सबको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है सबको ये बात समझ में आनी चाहिए, एक स्टार डाल करके मैं ये बात बोल रहा हूं। देखें क्या, आपने कल से एक बात देखी है, कल से हम एक बात पढ़ रहे हैं कि जो एल्कोहल है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन ये स्टार मैंने इसलिए डलवाया है क्योंकि एल्कोहल जो है वो क्षारीय प्रकृति भी रखता है। एल्कोहल, अरे बच्चों एल्कोक्साइड तो क्षारीय है लेकिन एल्कोहल अम्लीय है ना, एल्कोक्साइड तो क्षारीय है लेकिन एल्कोहल कैसा है, अम्लीय। ठीक है, तो अभी मैं एक बात कह रहा हूं, ये हमने पहले पढ़ा है लेकिन अभी एक बात और बता रहा हूं स्टार डाल करके, कि एल्कोहल जो है वो क्षारीय प्रकृति भी रखता है, क्षारीय प्रकृति या क्षारीय व्यवहार भी दर्शाता है, व्यवहार भी दर्शाता है। ठीक है, इस बात को तो आप थोड़ा सा मतलब सरप्राइज हो सकते हो इस बात पे, कैसे, क्योंकि अभी तक तो हमने यही पढ़ा ना क्या कि अल्कोहल अम्लीय व्यवहार करता है, लेकिन अभी मैंने एक बस्टार डाल करके एक और बात रख ली लिख दी कि भाई अल्कोहल क्षारीय व्यवहार भी दर्शाता है,
क्यों क्षारीय व्यवहार दर्शाता है? तो उसका कारण यह है बच्चों, क्योंकि एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल इस प्रकार से है, आर ओ एच, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन पर क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर, ठीक है। इस लोन पेयर के कारण जब इसके पास कोई एच प्लस आता है तो ये अपना एच प्लस, ये क्या करता है, एल्कोहल अपना एच प्लस, ये जो एल्कोहल के पास जो लोन पेयर होता है, ये इस लोन पेयर की वजह से इस एच प्लस को ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब लोन पेयर को ग्रहण कर लेगा तो अब एच प्लस को ग्रहण कर लेगा तो स्थिति क्या आ जाएगी, आर ओ एच एक लोन पेयर, और जो एच प्लस को ये ग्रहण कर लेगा तो इस ऑक्सीजन पर कौन सा आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, ठीक है। कैसे ग्रहण किया, कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, एक खुद के पास रखा, तो H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो H का तो प्लस खत्म हो गया, और ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, इसलिए ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस बात को समझें, यहां पर यह हो रहा है कि एल्कोहल क्षारीय व्यवहार भी दर्शाता है, क्यों, क्योंकि क्योंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, युग्म के कारण यह H प्लस ग्रहण करता है, अतः यह क्षारीय व्यवहार भी प्रदर्शित करता है, क्षारीय व्यवहार भी दर्शाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए एक स्टार डाल करके बात हो गई, क्योंकि हम कल से पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल अम्लीय है, लेकिन अभी एक बात, नई बात सीख ली कि अल्कोहल क्षारीय भी हो सकता है, लेकिन अल्कोहल क्षारीय कब होता है, जब अल्कोहल अपने इस लोन पेयर को किसको दे करके, एच प्लस को दे करके उससे एच प्लस ग्रहण कर लेता है, क्योंकि जब एच प्लस ग्रहण किया जाता है तभी तो क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्षारीय प्रकृति भी दर्शाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब मुझे बताओ कि क्या अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए, यस सर, ठीक है, ओके, लोन पेयर के कारण, वेरी गुड नारायण, ठीक है, हाँ, वेरी नाइस। तो इसलिए अगर अब आपके पास मैं 5 क्वेश्चन बोलूँगा और उन 5 क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे, जिससे आपको आंसर्स पता लगते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक क्या, कि एल्कोक्साइड हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार है, क्यों, ये क्वेश्चन नंबर एक। दूसरा क्वेश्चन कि जो सोडियम एथोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार है, क्यों, क्वेश्चन नंबर दो। और क्वेश्चन नंबर तीन, मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, चलिए क्वेश्चन नंबर एक क्या, एल्कोक्साइड हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार है, क्यों, इसका आंसर आपको देना होगा। दूसरा कि C2H5OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार है, क्यों, इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर तीन कि जो जल है वो प्रबल अम्ल है, एल्कोहल की तुलना में अम्ल है, ये क्यों, इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर चार कि जो एल्कोहल है वो क्षारीय व्यवहार दर्शाता है, क्यों, क्षारीय व्यवहार दर्शाता है क्यों,
ये जो है आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब है आज की क्लास में हमारे पास इतने क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए हैं, और इसका मतलब ये हो गया। एक चीज और देखें, एक चीज और देखें, मैं एक और स्टार डाल करके बात बता रहा हूं कि अगर अगर ऐसा लिखा जाए कि मैंने लिखा CH3 एक, मैंने लिखा सबसे पहले H2O, फिर लिखा मैंने CH3OH, फिर मैंने लिखा CH3 और यहां पर है CHCS3 और OH, मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिख लिया, फिर मैंने लिखा 3 डिग्री अल्कोहल CH3C CH3 CH3 और OH, ये मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिख लिया और कहा कि इनको क्षारीय सॉरी इनको अम्लीय सामर्थ्य के घटते क्रम में लिखो। इनको क्या करना है, इनका अम्लीय सामर्थ्य का घटता क्रम बनाना है, अम्लीय सामर्थ्य का घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है आपको। तो कैसे बनाओगे, क्या आएगा आंसर इसका, ठीक है, चेक करके बताओ, फटाफट बताओ क्या आएगा, ठीक है। जल को एच जल लिख करके और फिर इन एल्कोहलों को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सीधा ही लिख दो, ठीक है, और मुझे आंसर बताओ क्या होगा। अमन कुमार सर, एल्कोहल एच प्लस आसानी से नहीं त्यागा, हाँ बिल्कुल नहीं त्यागा एच प्लस एल्कोहल, इसीलिए तो कम अम्लीय है, ठीक है। सर आप जब ये बोलते हो अरे हाँ या ना, तो ऑनलाइन पढ़ने में भी कक्षा जैसा माहौल लगता है, ठीक है मुकेश, यस 4 3 2 1 4 4 तुम इसको बोल रहे हो, घटता क्रम बनाना है बच्चे, बढ़ता क्रम नहीं बनाना, ठीक है। अमन कुमार वैसे ठीक है, आंसर तुम्हारा सही है बिल्कुल, ठीक है। आपको इसको एक नंबर लिख लो, इसको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिख करके और घटता क्रम बना करके बताओ। यस हाँ अमित थैंक यू, हाँ मोहित थैंक यू, ठीक है। चलिए मैं घटता क्रम बनाता हूं इसका, घटता क्रम बच्चों यही होगा, क्या होगा कि जल एल्कोहलों से जल की अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होती है, इसलिए जल सबसे पहले आएगा, फिर ये सिंपल एल्कोहल आएगा, फिर आपके पास ये 2 डिग्री एल्कोहल मैंने बना दिया ये आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था कि एल्कोहलों की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होता है क्या कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो इसलिए ये वाला क्रम इसका आएगा, क्लियर। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं, और कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो एक लास्ट बार मेरे को आंसर दे दो कि स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ करके कैसे लगा, फटाफट आंसर दे दें। क्रम इसका घटता क्रम ये रहेगा, सबसे ज्यादा अम्लीय H2O, फिर CH3OH, फिर CH3CH3OH मतलब 2 डिग्री एल्कोहल, और फिर 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, ये क्रम रहेगा। चलिए बताओ स्मार्ट बोर्ड पर क्लास लगा करके कैसा लगा। यस अमित ठीक है, ओके मुकेश, अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका और आंसर दे दो बच्चों कि स्मार्ट बोर्ड पर क्लास लगा करके कैसा लगा। ठीक है मजा आया अमित कह रहा है, ठीक है ओके, बहुत अच्छी थी आज की क्लास, सुपर, ठीक है ओके ओके थैंक यू, मस्त, वेरी वेरी नाइस रमन नंदा, ग्रेट सर, ठीक है। अपने अभी थोड़ा और सीख जाएंगे ना इस पर काम करना तो और मज़ा आएगा, अभी तो फ्रेशर है नए, ठीक है। चलिए अब अपने कल क्या पढ़ने वाले हैं, कल हमने पढ़ना है कि एल्कोहल की तुलना में फिनोल ज़्यादा क्यों अम्लीय है, ठीक है, और फिनोल में भी अलग अलग तरीके की वैरायटी होती है फिनोल की, तो उनमें कौन सा ज़्यादा अम्लीय है कौन सा कम अम्लीय है, उसकी जो है हम बातें करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चों, यस ठीक है, बीआर कह रहा है रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा, चलिए और अपने इसके अंदर चेंज करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं इस क्लास को दोबारा देखूंगा और जो जो प्रॉब्लम आएगी उसकी बात मैं करूंगा, ठीक है। चलिए
ठीक है सर, ठीक है मुकेश, बोल दूंगा। चलो, कल की क्लास में हमने अल्कोहल की तुलना में फिनोल ज़्यादा अम्लीय क्यों होता है और फिनोल की अलग अलग वैरायटी किस तरीके से उनकी अम्लीय सामर्थ्य चेंज होती है, इनके बारे में हमने पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड लक, गुड बाय। ठीक है।